जाने कितने इसके हैं रूह, एक पल जादू एक पल दूर, समझना इसको नहीं आसान। आग में जलता रहा हूँ मैं ही सदा, है मुझे अफसोस न आई मुझको जीने की अदा, जान कर अब रहूंगा मैं, जान कर अब रहूंगा मैं, जिंदगी के मायने तोड़ डालूंगा सभी मैं, बीत कल के आईने रज्जू को खुश रखिए। बहुत खुश रखी। अच्छा अच्छा सुनो तो वो पंडित के दक्षिणा जन। हाँ हाँ हम भूल ही गए, रुक जा। ये ले। हमरा ससुर माँ हमसे मिलने आओगे ना? हाँ दीदी जरूर आऊंगा, पर याद रखियो आते वक्त एक छोटी सी गुड़ की टुकड़ी जरूर लइयो। हमारा ससुराल बहुत अमीर है ना। लो, लो। अगर तुम लोग ये सोचत हो कि जैसे शादी के समय हम तुम लोगन के पैसा दे दिए रहे वैसे ही बच्चा जन्मते वक्त भी पैसा देंगे तो तुम लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। अरे रामू भैया कहा बताए, सवेरे सवेरे नहाए जात रही फिसल के गिर गई और मर गई। देखो जी आज मछली पकड़ी ना जाओ, रह दो। कैसे न जाए मछुआ, न जाए तो घर में सांझ की चूल्हा कैसे जले? होगा चेतना, हे भगवान तुम्हारा सिर तो तवा की तरह तप रहा है। होने दे होने दे, आज नाव का किराया भी दे कर रहने दो पापा, आज मछली पकड़े हम जाएं। जिंदगी की नाव एक पल में या एक पल वहाँ, है ये कहना मुश्किल आखिर इसे जाना है कहाँ। रोते हंसते हुए चलती रहेगी जिंदगी, कभी बचपन जवानी और कभी बूढ़ी दिखेगी, कभी आंसू हाँ। तो आगे का हुआ? अरे आगे का होना था, बहुत ही टुच्ची हरकत हुआ उधर। का किया? होना का था, एक मारा इधर एक मारा। गोपाल भैया, दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ। आगे भाई कैसे है? अरे गोपाल भैया आपकी कृपा ये ले लो। अरे गोपाल भैया, अरे गोपाल भैया, अरे हम शरत। शरत? हाँ। अरे वो हमारा छोटका सा शरत था। अरे वाह तुम तो बहुत बड़े हो गए भाई। अरे बिल्कुल बदल गए हो। गोपाल भैया पहचान लिए आप? पहचान लिए, अब तो मर्द हो गए हो पूरे। अरे कपड़ा बहुत नक्शेबाजी वाला पहने हो तुम। अरे वो का है ना गोपाल भैया, हम आप ही के नक्शे कदम पे चल रहे हैं ना। मतलब हमारी नकल कर रहे हो। ये बात नहीं है गोपाल भैया, वो का है की हमका तोहरे सिवा कोई अच्छा नहीं ना लगता। हमसे अच्छा कोई है भी नहीं। और बताओ घर में क्या हालचाल है, सब ठीक है ना? सब ठीक। और वो तुम्हारी गीता दीदी कैसी हैं?
अब तक तो शादी वादी हो गई हो। गोपाल भैया ये क्या बात करत हो? अरे वो तो तुम्हारे साथ शादी किया रहा ना। हमरे संग? हाँ। क्या बात कर रहा हो शरद, ये किसने कह दिया तुमसे? किसी ने नहीं, आप ही की तो साथ गीता दीदी उस रात भागी थी ना। अरे कैसी बात करते हो, ये अनाप शनाप बातें कौन फैला दिया गांव में भाई? तो फिर गीता दीदी कहाँ है? अरे हमको क्या मालूम शरद, अरे हम तो अभी तुमसे पूछे ना कि तुम्हारी गीता दीदी का क्या हाल है। गोपाल भैया फिर तो गजब हुई गवा। क्या मतलब? अरे मतलब का, जब आप हमका 8 बरस पहले पिछली बार मिले थे ना, तभी से गीता दीदी गायब है। क्या बात कर रहे हो शरद तुम? अरे हम सही कह रहे हैं, जब से आप गायब हो हम सोचे गीता दीदी आपके साथ जाके शादी बना लिया होगा। इसका मतलब तुम तुम्हारी गीता दीदी को ढूंढने की कोशिश भी नहीं किया? अरे शरद देखो अब रो नहीं, अरे रोने से कहा होगा, सब ठीक हो जाएगा। कहा होगी वो बेचारे। सरत्वा, अरे ओ सरत्वा, का होई गवा, कहाँ से आ रहा है रे, काहे जवाब नहीं दे रहा है? सरत्वा, सर, काहे रोत है रे? अम्मा, गीता दीदी गोपाल के साथ नहीं भागी। कहाँ है तू? अचानक गीता की बात कहाँ से आई रे? गोपाल मिला था अभी हमका। का कहत है वो? कहत है ना तो गीता दीदियों के साथ भागी और नहीं उनके साथ शादी किए रहा। तो फिर हार चाल से गीता है कहाँ? कहाँ पता? हाय मारी बिटिया, कहाँ है तू? किस हाल में है तू? क्या हुआ, क्या रो रही हो? पता चला है कि गीता गोपाल के साथ नहीं भागी। क्या? हाँ। तो कहाँ मर गई वो? पप्पा आप ही अच्छा नहीं किए। अच्छा नहीं किए रे हम? यही कि तोरी बिटिया 8 साल से गायब है, वो की खैर खबर काहे नहीं लिए? बहुत दिमाग तो ठिकाने में है कि नहीं है? अरे लड़की घर से भाग गई, हम सारी दुनिया में ढिंढोरा पीटे, अपनी खानदान की इज्जत को माटी में मिलाए दे। आप तो ऐसे बात कर रहे जैसे तोराई खानदान कौन मुगले आजम का खानदान। हमको बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, समझे कि नहीं? तो क्या कर लोगे तुम्हें? अरे हम तो बाप है। बाप से बात करें? चुप बैठो। बाप बेटा तलवारें निकाल कर आपस में फिर गए का? जरा ठंडे दिमाग से सोचो, अगर गीता गोपाल के साथ नहीं भागी तो 8 साल से कहाँ है वो? अरे मर गई वो। हम तो वही दिन कह दिया रहे कि गीता हमारे लिए मर गई, तो समझो मर गई। दीदी। अरे चंद्रू आओ, बहुत बहुत बधाई हो। किस बात की बधाई दीदी? चंद्रू तुम इम्तिहान में अव्वल नंबर से पास हुए हो, ये रही तुम्हारी रिपोर्ट। सच दीदी? बिल्कुल। अरे अरे क्या कर रहे हो? दीदी आपकी कृपा से हमको इतने अच्छे नंबर मिले, वरना हम किस काबिल थे। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, इसमें तुम्हारी मेहनत और लगन भी शामिल है। चंद्रू मेरा काम है रास्ता दिखाना, पर इस पर चलना तुम्हारा काम था और तुमने बड़ी लगन से ये किया। मुझे यकीन है कि अगर तुम इसी तरह पढ़ते रहे तो एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। याद रखना सारा गांव तुम पर गर्व करेगा। याद है दीदी, जब मैं छोटा सा था ना तब आपने एक बात कही थी। कौन सी बात? यही कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और सारी दुनिया मुझे सर ऊंचा करके देखेगी। याद है दीदी, ये उसी की शुरुआत है, हमें आगे और भी पढ़ना है। पढ़ो, जरूर पढ़ो। मगर दीदी हमारे घर की तरफ भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हम मछुआरे हैं ना, हमारे पापा दिन रात काम करके थक जाते हैं, हम सोचते हैं कि उनके काम में हाथ बटाएं। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें हर्ज ही क्या है? उनको भी खुशी होगी कि उनका बेटा जवान हो गया है, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर उनके काम में हाथ बटाने लगा है। ये तो अच्छी बात है, माँ बाप के लिए इससे बढ़कर और खुशी की बात क्या हो सकती है। जी दीदी, मगर हमारी पढ़ाई लिखाई? अरे तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारे जैसे होनहार नौजवानों के लिए हमारी सरकार ने प्राइवेट इम्तिहान रखे हैं और इसमें कामयाब होने के लिए तुम्हें किसी स्कूल या कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम घर से ही पढ़कर इम्तिहान दे सकते हो।
सच दीदी? हाँ। तो अब तो ऐसा ही करेंगे, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है। लो तुम ही यहाँ खड़े हो। अरे हम कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे तो का। प्रकाश दीदी नमस्ते, कैसे हो? दीदी हम अच्छे हैं, आप कैसी हैं? ठीक हो। शरद हाँ। एक खुशखबरी है। कहा? कि हम इम्तिहान में पास हो गए हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है भाई। अब तो तुम बाबूगिरी करोगे है ना? अरे नहीं रे, अभी तो आगे और पढ़ना है। धत तेरे की, क्या जिंदगी भर पढ़ते रहोगे? हाँ। तो बाबू कब बनोगे? अरे बन जाएगा, मुझे यकीन है। चंद्रू एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगा। और शरद। हाँ दीदी। मेरी एक बात मानोगे? हाँ क्यों नहीं मानेंगे, बोलो। कुछ वक्त मिले तो कम से कम थोड़ा बहुत तो पढ़ लिख लो। दीदी हमें इसी बात का डर था, एका करें यहाँ नहीं आते हैं। शरद तुम दीदी देखो हम तोरी इज्जत करते हैं, आप हमसे नहीं पढ़ाई लिखाई की बात मत किया करो, हमको टेंशन आता है। चल चंद्रू आ जा। कहाँ? अरे कहाँ की बात छोड़, तू चलना। तो पहले ही बता कि कहाँ जाना। आज तुम इम्तिहान में पास हुए हो ना? हाँ। हाँ तो बस ये समझ ले कि आज हमारी तरफ से तोहरे लिए एक शानदार सी। आ जा। अरे अरे सर ये क्या होता है? दीदी ये किताबी बात नहीं है जो तोरी समझ में आए, तू आ चल। सुन तो सर। अरे चुप कर। सर देखो मेरी बात। चले लगनवा जल्दी कर। ए सर अब बंद कर, बहुत होई गवा, बंद कर। चंद्रू हमका तो तुम पढ़ देने से कह दे कि बंद कर है? अरे हम पूछत ऊपर वाले से कहो कि जांच थी, हमरे ऊपर कम नहीं हुए तोरे हिसाब से। ठीक है सर, मानत है कि तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही जाती हो गई, मगर मगर का हा? मगर का? मगर यूं कि दुख आवे का मतलब ये नहीं होते कि आदमी शराब में डूब जाए। वाह रात वही मछुआरे की औलाद। अरे ही अभी डूबने और तैरने की बात कर रहे तू है? शरद पानी और शराब में फर्क होते है, शराब की एक बूंद में आदमी डूब जाते, समझे? बंद कर अब। ठीक हम तोरे कहने से और नहीं पीबे, पर तू तेरा ही भाषण बंद कर। चल आज हम तो का शहर की सैर कराएंगे। इतनी रात में सैर? क्यों रात में का शहर दुनिया से गायब हो जाते हैं। अरे ससुर आज हम तो का दिखाई गम भुलाने की जगह कहाँ होता है, चल हमारे साथ। चलो भैया। कहाँ ले चली शरद? अरे तनिक सबर कर, ये देख ये है वो गम भुलाने की जगह। ए सोनलाल ये है हमारा फासट फ्रेंड, इका दो मीठी गोलियां दे, यहाँ खड़ा रहना हम आवत। अरे आते आते का उड़ के आएगा। अरे हम अंदर आएगा हमरी जान। अरे चलो चलो ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं। गीता दीदी। कौन? हम शरद। शरद? हम तोरे छोटे भैया शरदवा। तू ये कैसे पहुंच गई दीदी? हमारे सपनों का राजकुमार हमें यहाँ लाके बेच दिया। सपनों का राजकुमार? गोपाल रात जब हम उसके साथ भागने का फैसला किए गोपाल। कितनी देर लगाए हो? अम्मा पापा सोते ही निकल पड़े हैं। अच्छा अच्छा चलो अब जल्दी गोपाल। हाँ हमका डर लागत है। डर लागत है तो फिर भागने को राजी काहे हुई तुम? तुम्हारे वास्ते। हमरे वास्ते ना, तो फिर चलो। कहाँ? अरे शहर, हम हमारी शादी का पूरा इंतजाम करके आए हैं। ये कौन जगह है? अरे ये तो शहर है। शहर है? और नहीं तो का? ये जगह बड़ी अजीब लागत है। नहीं अरे शुरू शुरू में अजीब लागत है,
एक बार ही जगह तुमका रास आई गई ना, फिर देखो मजा। जानती हो शहर का सब बड़ा बड़ा आदमी यहाँ रोज आता है। पर ये औरतें, अरे काहे देखती हो औरतों का, ये तो ऐसे ही खड़े रहते हैं। और बताओ, देखो हम पे विश्वास है ना, तो बस जमाने की चिंता छोड़ दो तुम। आवा, अरे आवा हमारी मैडम, वेलकम। ये कहाँ लेकर आए हमका? अरे ये तुम्हारा घर है भाई, यहाँ ऐसी जगह में तो क्या बुराई है इमा? और अब तुम आ गई हो तो फिर देखते जाओ, अरे हम बंगला बनाएंगे तुम्हारे लिए। जानती हो उस बंगले में हम होंगे, तुम होगी और हमरे नन्हे मुन्ने। शर्माती हो, हम अभी आते हैं। हाँ कहाँ जाएगा? अरे खाना नहीं खाएंगे का, अभी आए। गोपाल कहाँ है? आसे हम ही तोहरे गोपाल है रानी। छोड़, छोड़ दो। अरे अरे कहाँ हुआ गीता, कहाँ हुआ? हमारे कमरे में कोई आदमी। अरे वो तो हमारा दोस्त है गीता। नहीं गोपाल, वो अच्छा आदमी नहीं है। अच्छा, अरे नहीं वो तो बहुत ही अच्छा आदमी है। नहीं गोपाल, हमका घर जाना है। अरे नहीं गीता, अरे देखो हमारी बात सुनो। देखो चल, आज के बाद तो का यह ही रहेगा पड़ी। जी, चल। महारानी समझा देगा अपने आपको। अरे हमारी बात ना मानेगी, हम कह रहे हैं तो का यह ही रहेगा पड़ी। बस कहाँ भागत रही ससुरी, चल। जाई दे गोपाल। जाई दे हाँ, और इसे जो हम 10,000 रुपया लिया है वो तोरा बप्पा देगा। हाँ गोपाल, चल। सलाम सेठ। साथ अभी घर वापस चलो। अरे नहीं सरदवा, वहां भी नरक है, यहां भी नरक है, पर यहां के नरक में कम से कम 2 वक्त की रोटी मिल जात है। तो हमारी बात मान, तू भी शहर निकल पड़, कुछ काम धंधा कर, वहां गांव में का रखा है? जाएंगे दीदी, मगर अब हम उस ससुर गोपाल को नहीं छोड़ा भी। सरद, क्या हुआ सरदवा? गोपाल, गोपाल गाल भैया। अरे धनिया भैया, आओ आओ बैठो बैठो। तो धनिया भैया, आज तुम मछली पकड़ने को नहीं है, काय ऐसा करते हो तुम? अरे हम का करेंगे विकास भैया, हमारी किस्मत जो हमारे साथ कर रही है वही तो हम करेंगे ना। ए धनिया भैया, जो हो गया है उसके बारे में सोचने से क्या फायदा, अब जो होने वाला है उसके बारे में सोचो। वही तो सोच रहे हैं कि मुनिया की शादी अच्छे से हो जाए, बस गीता घर छोड़ के भाग गई और रज्जू ही दुनिया छोड़ के बस एक ही बच्ची बची है मुनिया, बस उसकी अच्छी से शादी हो जाए। मुनिया भैया, मुनिया का भी ब्याह हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, हो जाएगा, ब्याह हो जाएगा। मेरे फिक्र कैसे, शादी ब्याह में रुपया पैसा की जरूरत पड़ती है कि नहीं? लो कर लो बात, हम तुमका कहत रहे के भैया बाल बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, पर ना उस वक्त तुमने हमारी बात मानी नहीं, और अब
अगर तुम पढ़ लिख गए होते तो खुद का पेट तो पाल सकते थे, पर ना। अब हमारी बात देखो, चंद्रू इम्तिहान में पास हो गया, बड़ा बाबू बनकर आएगा। हाँ, अब हमको कोनो फिकर नहीं। बेकार भैया, अरे शरद को तो थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई देते हैं, पर मुनिया को पढ़ाई के का फायदा? ससुराल में जाके क्या वो पाठशाला चलाएगी कि बाल बच्चे संभालेगी? अरे धनिया भैया, औरतों का कोई और काम नहीं है क्या? औरतों को सिर्फ बाल बच्चे पैदा करना है क्या? नहीं, बहुत काम है। अरे घर में खाना बनाना पड़ता है, घर की साफ सफाई करना पड़ता है, बहुत काम होता है। बहुत काम है, और सबसे बड़ा काम है संस्कार। संस्कार धनिया भैया, एक औरत ही है ना अपने बाल बच्चों को अच्छे से अच्छा संस्कार देती है। औरत माँ होती है जो बाल बच्चों के करीब रहती है, और एक पढ़ी लिखी औरत अपने बच्चों को संस्कार डालती है, शिक्षा क्या होती है उसका महत्व समझाती है। विकास भैया, तुम्हारी बात हमारे दिमाग में नहीं घुस रही है, बस हमारे दिमाग में एक ही बात घुस रही है कि मुनिया की शादी अच्छे से हो जाए, बस। हिम्मत रखो, हो जाएगी, कुछ ना कुछ रास्ता निकल आवेगा। पर एक बात का ख्याल रखना, जो गलती तुमने रज्जो के ब्याह के वक्त की थी ना, वो मुनिया के ब्याह के वक्त मत करना। चाचा कौन? अरे हम हो गोपाल। कौन गोपाल? पायल लागी चाची। जिधर हो लागे हैं, तुम तो सठिया गए हो। इतना सब कुछ हो गया और तुम्हें गोपाल का नाम ना ही मालूम? अच्छा, तो ये वो गोपाल है? हाँ चाचा, हम वो गोपाल हैं। अब चाची, ये हम कहा सुनत रहे? आप लोग पिछले 8 बरस से ये समझ रहे हो कि गीता हमरे संग है? हाँ बिटवा, हम तो यही ख्याल में रहे कि तुम गीता को लेकर भाग गए। लो, अरे चाची, हम तो वैसन खानदान के हैं जैसन कि आप लोग। अरे गीता के संग ब्याह बनाए का होता तो हम धूम धड़के से बारात ना लेकर आए होते। अरे भागे भगावे का हमका का जरूरत चाचा? तो तुम गीता के संग शादी करने वाले नहीं थे ना चाचा? लेकिन शरदवा तो यही बता रहा कि गीता के साथ तुम्हारी दोस्ती रही। चाची, आप लोगन बिना बस। अरे हम नौजवान ठहरे और गांव की लड़कियन के साथ छेड़छाड़ करना तो हमारा काम है। अब इका आप दोस्ती कह लो चाहे जो कह लो। ओह, इका मतलब है शरदवा गलत समझा? और नहीं तो का चाची, अब शरदवा की उम्र ही कहा रही वो बखत, मुश्किल से 12-13 बरस का होगा। इन उनकी भी कहा गलती। तो तुम खुद ही 8 बरस तक के कहां रहे? अब हमरी कहा पूछते हो चाचा? अरे हमरा तो कारोबार ही ऐसा है चाची, कभो ये ई शहर तो कभो दूसरे शहर। अब पिछली बार जो बंबई पुणे गए तो वहां गई होकर रह गए। अब 7-8 बरस कब बीत गए मालूम ही ना चला चाची। लेकिन बिटवा, काम धंधा तो ठीक चलत है ना? हाँ चाची, बस आप लोगों का आशीर्वाद है, हम चलते हैं चाची। अरे नहीं नहीं, पहले वक्त आए हो, चाय तो पीकर जाओ। मुनिया, अरे ओ मुनिया, जल्दी आ। हाँ माँ। ई गोपाल है, इका चाय ले आ। अभी लाई। मुनिया, शक्कर जरा ज्यादा। कहाँ हैं हम लोग? शहर और गांव की सड़क के बीच। तो दिमाग खराब है? सुबह सुबह दारू? अरे हम गोपाल का छोड़ेंगे नहीं। देख सरट, मारपीट में का रखा है, जो होना था सही तो होगा। कहाँ आ रहा है तू? देख, हमरा रास्ता मत रोक। हम सरत, सरत बोल दिया ना, हमरा रास्ता मत रोक। सरत सुन तो, सरत गीता का सुन के बहुत दुख हुआ चाचा। बिटुआ, 8 बरस बीत गए,
पता नहीं जिंदा है या मर भी गए। अरे सुब सुब बोलो चाची, बहुत बुरा हुआ ही तो, और अब रज्जो का सुन रहे हैं। अरे बिटवा, जो उन किस्मत पे लिखा है वो तो भुगतना ही पड़े ना। वो तो ठीक है चाचा, मगर हमका लगत है कि जो दुई चली गई उनकी चिंता छोड़ दो, और जो एक बच्ची है उनकी चिंता करो। अरे गोपाल, चिंता तो हम दिन रात करी थे, मगर क्या करे, दहेज देने के लिए हम लोगों के पास पैसा नहीं है। का बात कर दी चाची, अरे हम तो हमेशा से तुम्हारी मदद करेगा चाही, और जब से सुने हैं कि मुकद्दर ई खेल खेला है तुम्हारे संग, तब से सोच रहे हैं कि तुम्हारी मदद कैसे करें। अरे बिटवा, हम गरीबन का मदद तो पैसे से होता है, ये बात सोचे के का बात है। अब पैसा तो हम देंगे ही चाचा, हमका तो डर है कहीं मुनिया का भी वही हाल ना हो जो रज्जो और गीता का हुआ। बुरा ना मानो तो एक बात पूछें चाचा। पूछो बिटवा। हम सोच रहे हैं कि हम मुनिया को ब्याह के शहर ले जाएं। बिटवा, ये हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा बिटवा। जाने कितने इसके एक पल जादू एक पल दू, समझना इसको नहीं आसान, कभी आंसू कभी मुस्कान। नफरतों की आग में जलता रहा हूं मैं ही सदा, है मुझे अफसोस न आई मुझको जीने की अदा, जान कर अब रहूंगा मैं, जान कर अब रहूंगा मैं, जिंदगी के मायने तोड़ डालूंगा सभी मैं, बीते कल के आईने कभी आंसू कभी मुस्कान, कभी आंसू।